हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल एक्टिविटी चैनल में खुशामदीद। आज हम ऐसे इक्वेशंस के बारे में जानेंगे जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, मगर हम उसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे। हमने उसे मुख्तलिफ मेथड के जरिए सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। और फिर जो तीन तरीके हमने पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्यूटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके जरिए उस इक्वेशंस के रूट्स को यानी सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो तकरीबन हमारे पास पांच टाइप के इक्वेशंस हैं। उन पांच टाइप के इक्वेशंस के बारे में आज जानेंगे कि उनको किस तरह रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर किस तरह सॉल्व करने हैं। तो शाबाश। टाइप नंबर वन किस तरह है? इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन दिया होगा जो कि x की हायर पावर जो है वो 4 है। हमने उसे क्वाड्रेटिक बनाना है। किस तरह बनाएंगे? अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन किस तरह है? हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, उसको हमने रिड्यूस करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन x पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? हमने लिट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y को x स्क्वायर के बराबर लेना है। तो y को x स्क्वायर के बराबर ले लो, क्या होगा इस इक्वेशन 1 के साथ? ये बन जाएगा y स्क्वायर, बिकॉज x स्क्वायर मीन y और एक स्क्वायर ऊपर वाला, माइनस 7x स्क्वायर की जगह y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रिड्यूस हो गया मगर इन वेरिएबल y। अब हमने उसे तीन तरीकों के जरिए रिड्यूस करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। कौन सा वाला तरीका? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन पे हो सकता है बाय फैक्टराइजेशन। दिस इंप्लाइज इधर a है, इधर 12 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 12, इनकी मल्टीप्लिकेशन से 12 और a c की वैल्यू है, सॉरी c की वैल्यू है। और b हमारे पास क्या है? माइनस 7। ऐसे दो नंबर जिनके मल्टीप्लीकेशन से 12 और एडिशन से माइनस 7 आ जाए, वो कौन से हैं? तो हमारे पास एक है 4 और एक है 3। दोनों को माइनस ले लो तो माइनस 7 प्लस से आएगा और 12 मल्टीप्लीकेशन से, एक माइनस 6 माइनस 4 आप ले लो तो तकरीबन हल हो जाए। तो y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वाई काम कर लो इसे, तो वाई माइनस 4, सॉरी इधर वाई लगाना है, माइनस 3 काम कर लो, वाई माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करना है? वाई माइनस 4 को काम करो, वाई माइनस 4 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3। हमारे पास दो रूट्स मिल गए जो कि एक है 4 और एक है 3। क्या करना है अब? अब चूंकि हमने y को x स्क्वायर
के बराबर हमने पुट की थी, सपोज की थी, अब उसकी वैल्यू को वापस हमने पुट कर दें। तो शाबाश, y की जगह आपने नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बिकॉज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो y की जगह हमने फिर से x स्क्वायर डाला और 4, इस तरह y इज इक्वल टू 3, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट कैंसल। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन सेट है प्लस माइनस अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 2। हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए, तकरीबन 4, और वो है क्या? प्लस माइनस अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 2। तो ये था पहला वाला टाइप जो हमने सबसे पहले उसको रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक पे, और इसके बाद हमने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस हैं, आपने खुद ट्राई करने हैं। साफ कर दो, ओके। दूसरा टाइप, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर फी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का कुछ इक्वेशन होगा हमारे पास, उसको भी हमने क्वाड्रेटिक पे रिड्यूस करना है। किस तरह रिड्यूस करेंगे अब आप सीख लेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या है? x माइनस 4 ओवर x इज इक्वल टू 2। चलो मान लो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, किस तरह से रिड्यूस करेंगे? सॉल्यूशन x माइनस 4 ओवर x, 4 ओवर x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स। तो एक्स को इधर भी मल्टीप्लाई करो और दूसरी जानब भी, एक्स माइनस 4 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स, उसको इंटर कर दो तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स के साथ कैंसिल, तो माइनस 4 और 2 मल्टीप्लाई एक्स से 2x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, 2x को इधर कर शिफ्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल x है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, इन वेरिएबल x। अब किस तरह करोगे? तकरीबन ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना है। नाउ लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरह है? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइड बाई 2 ए। अब क्या करना है? ये एबीसी की वैल्यू इधर पुट कर लो। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस 2 प्लस माइनस
माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस फोर, वन इंटू माइनस फोर डिवाइड बाय टू इंटू वन. सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा टू प्लस माइनस, टू स्क्वायर मीन फोर, माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर फोर इज 16. ये माइनस जो अंदर है ये स्क्वायर के साथ खत्म हो गया. जब अंदर माइनस हो ब्रैकेट के अंदर और ऊपर पावर इवन हो तो ये माइनस फिर एब्जॉर्ब होगा. फिर हमने टू स्क्वायर डायरेक्ट ले लिया, टू अंदर टू. सो एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस 20 डिवाइड बाई टू. अब क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाई फाइव डिवाइड बाई टू एंड देन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस टू. इस फोर को मैंने बाहर कर दिया तो अंदर आए फाइव डिवाइड बाई टू, टू को कॉमन कर दो. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू कॉमन, वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाई टू, टू को कैंसिल कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव. ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, वन माइनस अंडर रूट फाइव और वन प्लस अंडर रूट फाइव. बच्चों तो ये दूसरा तरीका था, दूसरा टाइप क्वेश्चन जो कि हमने उसको भी रिड्यूस किया, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में और इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए हमने उसके रूट्स को फाइंड कर दिए. चलो साफ कर दो, तीसरी की तरफ हमने जाना है. हाँ, टाइप थ्री, टाइप थ्री में क्या है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म. रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस तरह, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस वन वर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन वर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा हमारे पास, हमने उसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक पे और इसके बाद सॉल्व करना है. तो मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेता हूं और वो सॉल्व कर लूंगा. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नाइन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन वर एक्स और फिर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. किस तरह सॉल्व करूंगा मैं, सॉल्यूशन लिट आपने x माइनस वाई अगर इधर है या x प्लस वाई इधर है तो आपने उसको y के बराबर लेना है. तो इस तरह मैंने कर दिया x माइनस वन और x इज इक्वल टू y. फिर क्या करो, इन दोनों साइड्स को स्क्वेयर करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो x माइनस वन और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर. फिर क्या मिलेगा आपके पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करो तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन वर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और फिर टू को दूसरी जगह शिफ्ट करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू. तो बच्चों एक्स माइनस वन वर एक्स इज इक्वल टू वाई जब मैंने दोनों जानब स्क्वायर ले ली और फिर उस कंप्लीट स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन वर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू.
यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स बराबर हो गया वाई स्क्वायर प्लस टू के, और एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर है वाई के। तो मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऊपर इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करने हैं। तो दिस इंप्लाइज उसकी जगह आपने लिखना है वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस, इसकी जगह आपने लिखनी है वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। सो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल वाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल वाई। अब किस तरह उसको सिंप्लीफाई करना है, इधर क्वेश्चन में कुछ गलती है वो दूर कर लेता हूं, इधर हमारे पास आता है माइनस टू, तो अब ये फैक्टराइजेशन पे हो सकता है, हमने फैक्टराइजेशन पे करना है। इस तरह करोगे मल्टीप्लिकेशन से माइनस टू और एडिशन से माइनस वन, दो ऐसे नंबर होने चाहिए, एक है हमारे पास माइनस टू वाई और एक है प्लस वन, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये दोनों जो है ये वो दो नंबर है जिनके मल्टीप्लीकेशन से माइनस टू वाई स्क्वायर और एडिशन से माइनस वाई आता है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है इनसे, वाई को कॉमन करो सो वाई माइनस टू, प्लस वन को कॉमन करो तो वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब यानी दिस इंप्लाइज y माइनस टू इज y माइनस टू इन टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, या तो y इक्वल टू जीरो y प्लस वन इक्वल टू जीरो, दो कंडीशन है हमारे पास। फिर y इज इक्वल टू टू और इधर y इज इक्वल टू माइनस वन, वही हमने सपोज की थी x माइनस वन वाई के बराबर, तो शाबाश आपने फिर y की जगह वो वाली वैल्यू डालनी है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस वन वाई एक्स इज इक्वल टू टू, x माइनस वन वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, x को दोनों जानेब मल्टीप्लाई करो इक्वेशन के, x इंटू एक्स माइनस वन वाई एक्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाइंग, बिकॉज मल्टीप्लाइंग x बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग x बोथ साइड, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स, इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बना, और इधर भी x को मल्टीप्लाई करो तो x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई x, x x आपके पास x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस x, x को इधर कर लो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब क्या करना है, उसको भी सॉल्व करना है और उनको भी सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करोगे, बाय फैक्टराइजेशन, दो नंबर एक भी माइनस, चलो फैक्टराइजेशन पे नहीं हो सकता तो आपने फार्मूला डायरेक्ट डालना है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस टू, c की वैल्यू माइनस वन, तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू a इंटू c डिवाइड बाय टू इंटू a, उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करो, सिंप्लीफाई करो, इधर टू फोर फोर एट आ जाएगा,
माइनस इंटू माइनस प्लस टू अंदर एट डिवाइड बाई टू, फिर क्या करना है फोर बाहर, सो टू प्लस माइनस टू अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू, टू को कॉमन करो वन प्लस माइनस अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू, तो ये कैंसल, यानी ये वाला भी अब करना है किस तरह करोगे माइनस वन, ये भी a इज इक्वल टू वन है, b इज इक्वल टू वन है और c इज इक्वल टू माइनस वन, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन, c इज इक्वल टू माइनस वन, तो फॉर्मूले में पुट कर दो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी डिवाइड बाय टू ए, माइनस वन प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा फोर और वन फाइव अंडर रूट फाइव डिवाइड बाय टू, तो हमारे पास एक रूट दो रूट ये है, यानी सॉल्यूशन सेट क्या बना फाइनली, सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव ओवर टू और वन प्लस माइनस अंडर रूट टू, वन प्लस माइनस अंडर रूट टू और माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव डिवाइड बाय टू, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। जिस तरह मैंने टाइप थ्री को रिड्यूस किया सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में और इसके बाद मैंने फैक्टराइज किया, तो आपने भी इस तरह करना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा टाइप फोर की तरफ, आपने वो भी नोट करने हैं, साफ कर दो सही। अब इसके बाद जो चौथा तरीका है जो टाइप है, हमने उसको किस तरह रिड्यूस करना है, तकरीबन टाइप फोर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है। किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होगा, ए की पावर एक्स यानी वेरिएबल कांस्टेंट का पावर हो, इसमें एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन जीरो और ए डज नॉट इक्वल टू वन, ए जीरो से ग्रेटर होगा और दूसरा कंडीशन ए मस्ट बी डज नॉट इक्वल टू वन, ये क्या चीज है, ए क्यों वन के बराबर नहीं है, लास्ट में जब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से कि a does not equal to 0 y और a does not equal to 1 y। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास 5, क्वेश्चन हमारे पास है 5 की पावर x plus 1 plus 5 2 minus x और इसके बाद 126, ये हमारे पास इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है, वेरिएबल ऊपर है एक्सपोनेंट में है, अब हमने उसको रिड्यूस करना है, किस तरह रिड्यूस करेंगे, सॉल्यूशन 5x प्लस 1 प्लस 5 2x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 126, हाँ उसको स्प्लिट अप करो, किस तरह करोगे 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर x, उसको भी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस x इज इक्वल टू, उसको भी इधर ले आओ माइनस 126 इज इक्वल टू 0, तो लिख 5 की पावर x इज इक्वल टू y, 5 की पावर x को y के बराबर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो 5 की पावर x इज इक्वल टू y, तो क्या होगा, तो इस तरह
5 की पावर माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1 और वाई के, बिकॉज पावर माइनस एक्स है, इधर एक्स था तो वाई माइनस एक्स है तो 1 और वाई। 5y प्लस 25 और वाई माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग y बोथ साइड, 5y प्लस 25 into y माइनस 126 इज इक्वल टू 0। y को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी, तो क्या आएगा इनसे, y मल्टीप्लाई 5y से आएगा 5y स्क्वायर प्लस y कैंसिल, सिर्फ 25 माइनस 126 y विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 5y स्क्वायर माइनस 126 y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y वेरिएबल, रिड्यूस हो गया। अब हमने इसकी सॉल्यूशन को फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ आ जाओ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 125 आता है, ऐसे दो नंबर जिनके मल्टीप्लिकेशन से 125 y स्क्वायर और उनके एडिशन से माइनस 126, तो वो कौन से नंबर होंगे, एक नंबर है माइनस वाई, दूसरा नंबर है माइनस 125 y, माइनस वाई और माइनस 125 y, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा माइनस 125 y स्क्वायर, और जब आप उसको ऐड करोगे तो माइनस 126 y आएगा जरूर, तो उन दोनों नंबर्स को आपने इधर लिखने हैं, 5 y स्क्वायर माइनस 125 y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5y कॉमन है तो कॉमन कर लो इन दोनों में, इन दोनों से 5y आप कॉमन कर लो, y माइनस 25 रह गया, इधर माइनस 1 कॉमन कर लो तो y माइनस 25 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये अब ये तकरीबन सेम है, तो आपने क्या करना है, आपने y माइनस 25 को फिर कॉमन, और इधर 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हैं, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस 25 और y इज इक्वल टू प्लस 1 वर 5, यानी y हमारे पास 5 स्क्वायर और इधर y हमारे पास 5 की पावर माइनस 1, बिकॉज y डिवीजन में है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह आया। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी कि 5 की पावर x इज इक्वल टू y, यानी y की जगह हमने क्या डालनी है, 5 की पावर x, तो उधर 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इस तरह 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हो गया, ठीक है। जब ये हो गया तो हमारे पास 1-1 प्रॉपर्टी है, हमने उसको डालनी है इधर, क्या करना है, 1-1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 1-1 प्रॉपर्टी, 1-1 प्रॉपर्टी है, 1-1 प्रॉपर्टी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की 1-1 प्रॉपर्टी, 1-1 प्रॉपर्टी ये है, अगर हमारे पास बेसिस सेम है, इक्वेशन के दोनों जाने बेसिस सेम है तो उसके एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम होंगे,
तो ये है हमारे पास वन टू वन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इधर देखो बेसिस सेम है इक्वेशन के दोनों जाने, तो इसके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू, इधर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गए, एक है एक्स इज इक्वल टू टू और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इक्वेशन जो कि हमने सब पहले क्वाड्रेटिक पे और फिर फैक्टराइजेशन की मदद से हमने उसके सॉल्यूशन फाइंड किए। हाँ, तो मैंने शुरू में एक लफ्ज बताई थी, एक इधर एक कंडीशन था a does not equal to 1, क्यों? इधर देखो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन है 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, क्या होंगे x इज इक्वल टू 2। लेट सपोज ये तो a है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये a है, ये x है, जनरल फॉर्म है, इधर मैंने लिखा है a पावर x, a पावर x, a पावर x बगर मगर ये नॉन है, नंबर है तो 2 है, इसलिए लेट सपोज अगर मेरे पास इधर 1 था और इसके ऊपर x, इक्वेशन के दोनों जगह इधर भी 1 लेट सपोज और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो लेट सपोज हमारे पास 5 है, तो आप बोलोगे कि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, यानी x की वैल्यू 5 है, आप इस तरह बोलेंगे x की वैल्यू 5 है, यानी हमने इधर x की वैल्यू को 5 डालनी है, चलो x की वैल्यू को 5 डालो, इधर 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 की पावर 5, चलो ये तो ठीक है, लेकिन इधर 5 की जगह मैं 4 भी डाल सकता हूं, क्यों? अगर मैंने 1 की पावर को 4 कर दिया, इससे भी 1 आएगा और इससे भी 1 आएगा, इस तरह मैं इस 4 की जगह 7 को भी डाल सकता हूं, तो इससे भी 1 आएगा और इससे भी 1 आएगा, यानी 1 की पावर 5 से तो 1 है, लेकिन x की वैल्यू एग्जैक्ट 5 नहीं है, x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इसलिए ये कंडीशन मस्ट जरूरी है a does not equal to 1। इधर देखो 5 पे नहीं हो सकता, 5 पे जरूर आपने क्या करना है, 5 पे आपने जरूर इधर x की वैल्यू 2 डालनी है, इस तरह 3 आप नहीं लगा सकते, जिस तरह हम इधर 1 पे जो भी पावर हो हम लगा सकते थे, इधर आप 3 नहीं लगा सकते, अगर आपने इधर 3 लगाया तो 5 की पावर 3 से 125 और इधर 5 की पावर 2 से 25 जो कि ये बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन मस्ट आपने लगाना है, ए मस्ट बी डज नॉट इक्वल टू 0, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये मौजूद होगा। लास्ट वाला टाइप हमारे पास है, ये नोट कर लो ताकि मैं उसे साफ कर दूं, और लास्ट वाला जो तरीका है जो इक्वेशन है हमने वो उसको किस तरह रिड्यूस करना है, तो शाबाश जल्दी जल्दी लिख लो ताकि मैं लास्ट वाला करूं। हाँ अब हमारे पास 5 है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इज इक्वल टू।
इस पे मैं क्वेश्चन करूंगा। इधर आपने कंडीशन लगाना है वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए प्लस बी बराबर होगा सी प्लस डी के, यानी इधर दो नंबर बराबर होंगे, उनके सम बराबर होंगे दो और नंबर्स के जो इधर कांस्टेंट है हमारे पास। ये दो कांस्टेंट बराबर होंगे इन दो कांस्टेंट के सम सम के बराबर। ओके, वो ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, जो भी है, मगर दो और दो दोनों दोनों को सम आपने करना है। चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 385। ओके, किस तरह सॉल्व करोगे, किस तरह रिड्यूस करोगे? इधर देखो माइनस थ्री प्लस फाइव, माइनस थ्री प्लस फाइव ये बराबर है किसके, नाइन माइनस सेवन के, उनसे क्या आता है टू और उनसे भी टू। तो आपने क्या करना है, जब ये कंडीशन आपने ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दी, सिंप्लीफाई कर दी, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को x माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 385। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, शाबाश। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन, इधर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 385। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक दोनों को ऐड कर लो, प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू 385। बच्चों ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं। आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आपने उन दोनों की जगह पुट करना है, तो क्या हो जाएगा y माइनस फिफ्टीन और y माइनस 63 इज इक्वल टू 385। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, y y से y स्क्वायर माइनस 63 माइनस 15 वाई और प्लस 53 इज 5, 1 रह गया 4 रह गया 945 और उसको भी दूसरी तरफ शिफ्ट करो तो 85 इज इक्वल टू 0। तो इधर y स्क्वायर इससे आएगा 63 78 आएगा और फिर इन दोनों से 0 6 5। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। फैक्टराइजेशन पे हो सकता है, किस तरह करोगे, हमारे पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर है हमारे पास 70 है और एक फैक्टर हमारे पास 8 है। 70 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लो तो आपके पास आ जाएगा 560 और 8 कर लो तो आपके पास आएगा माइनस 78। तो वाई स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। वाई को कॉमन करो, वाई माइनस 70 माइनस 8 को कॉमन करो, वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 70 अब
y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो y माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू जीरो और y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेवेंटी और y इज इक्वल टू एट। अब क्या करना है, y की जगह पहली वाला वैल्यू डालनी है इधर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इधर। तो क्या कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सेवेंटी, सेवेंटी को इधर कर लो तो माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू जीरो, और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एट को इधर कर लो माइनस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन आ गए, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, आपने ये भी सॉल्व करना है और उसको भी सॉल्व करना है, इसके भी दो रूट्स आएंगे और इसके भी दो रूट्स आएंगे, यानी हाँ हमारे इस क्वेश्चन के फोर सॉल्यूशन यानी फोर रूट्स होंगे। घर में ट्राई करके इन दोनों के रूट्स को फाइंड कर लो, ठीक है। बस ये था लास्ट वाला टाइप जो कि खत्म हो गया, एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन है इन पांच टाइप पे, टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 5। तो आपने इन सारों में क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, जो भी मसला हो आपको तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर कमेंट कर देना। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़।